हर जनरेशन हो क्या बात। तीसरी पीढ़ी का ये शर्मा रेस्टोरेंट वाली पाव भाजी मक्खन से भरपूर और छोले का कमाल वो भी ऐसे फूले हुए भटूरे के साथ, ये ठंडी छास जो सुकून का काम करेगा। अगर आपने ये भट्टी से निकला हुआ आलू तंदूरी पराठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी और ये पराठा खाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है क्योंकि ये है ही इतना भयंकर। भाई क्या है यार, वेलकम टू शेजी ऑफिशियल व्लॉग। आज हम आए हैं शर्मा रेस्टोरेंट में जो कि है अंधेरी वेस्ट, तो चलते हैं और टेस्ट करते हैं अलग अलग वैरायटीज में इनके टेस्ट की पकवानों को। ये जो है होटल है, रेस्टोरेंट है, ये लाइव जो है यहाँ पर इनका रोटी तंदूरी रोटी बनती है। ये काफी मजा आने वाला है आज के व्लॉग में, तो बने रहिएगा। ये देखिए मस्के से भरा पाव और ये पाव भाजी, ओहो काफी मजा आएगा आज तो दोस्तों। चलते हैं, बैठते हैं, टेस्ट करते हैं कि कुछ चीजों को। ये आ गया है पाव भाजी, ये देखिए ऊपर से अमूल का मस्का, सिर्फ मस्का लेता हूँ मैं ये। अरे वाह क्या बात है, अलग लेवल का लग रहा है। ये पाव देखिए, पाव में भी मस्के से भरपूर एकदम जो है, वैसे बाढ़ आ गई है मस्के की। ये कांदा देखिए, नींबू, मजा आने वाला है दोस्तों आज के खाने में। ये देखिए ये कांदे को मैं ऊपर से डालते हुए और ये लूंगा मैं पाव। ये देखिए पूरा बटरी पाव है जो है, मजा आने वाला है दोस्तों खाने में। मैं लूंगा एक लुकमा इसका, ये देखिए भयंकर। भाई क्या है यार, पाव भाजी खाना हो तो शर्मा रेस्टोरेंट में आ जाइए भाई। ये आ गया हमारा छोले भटूरे, ओहो अरे वाह क्या लजीज के खाने आ रहे आज तो यार। ये देखिए, ये देखिए छोले देखिए, ओहो हो खाने पे तो और मजा आ जाएगा बस। ये देखिए भटूरे पूरे पूरी तरीके से ये फूले हुए, ये देखिए मैं लेता इसे हाइट पे, ओहो वाह क्या मजा आएगा बहुत आज तो। छोले में लेता हूँ ये भटूरे के साथ, क्या लजीज लग रहा है, मुंह में डालने से पहले ही पानी आ जा रहा है। वाह छोले भटूरे खाना है तो शर्मा रेस्टोरेंट बीएन नगर के पास है, जरूर आइएगा। ये देखिए ये बन रहा है आलू पराठा, ये देखिए ओहो हो आलू कांदा जो है इन्होंने डाला है, मिक्स किया है। ये देखिए ये रोटी के अंदर जो है इसका जो है पूरा मिक्सर जाता हुआ, ये रोटी के अंदर जो है इसका पूरा आलू कांदे का जो है मिक्सअप जाता हुआ। रोटी बनेगी कितना टाइम लगता है इसको बनने के लिए? 15 से 20 मिनट। ओके ये ऊपर देखिए कोथमीर और क्या डाला आपने? धनिया, कोथमीर और धनिया। ये देखिए ये ओपन हो गया तंदूर, ये देखिए तंदूर के अंदर जो है लग गया है पराठा, तो बेसिकली इसको तंदूरी पराठा कहा जाएगा। हाँ हाँ क्या बात, क्या नाम है आपका? बद्री जादव। बद्री जादव, बद्री जादव जी कितना साल हो गया था आपको? 5 साल हो गया। ओके, और ये भी हमारे शेफ है दूसरे, पाव भाजी सैंडविच पिज्जा बनाते हैं राइट? ओके, क्या नाम है भाई आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण भाई को कितना साल हो गया आपको? 4 साल हो गया।
चार साल हो गया लक्ष्मण भाई। बहुत गर्दी रहती है यार यहाँ पे तो। ओहो, अंदर चला गया है। ये बन गया है तंदूरी पराठा। ओहो, ये देखिए, ये आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कोथमीर झलकती है और ऊपर से आ गया ये मक्खन। अरे वाह, क्या बात है भाई। मक्खन को देखो, इन्होंने कितना अच्छी तरीके से डाला और एक कटिंग करेंगे। ये हो गया पिज्जा। क्या बात है भाई, लक्ष्मण भाई भी बहुत एक्सपीरियंस बनते हैं यहाँ के। ये जो वो एक कटिंग हो के आया है यहाँ पर। ओहो, इसका टेक्सचर देखिए और ऊपर से कोथमीर तिल जो है, कितना मजा आएगा दोस्तों खाने के लिए। वाह वाह वाह, चलिए चलते हैं। ओहो, ये है देखिए पराठा जिसका हमने वीडियो बनाया था। अरे वाह, क्या टेक्सचर है, क्रिस्पीनेस प्लस इसके अंदर देखिए। मैं टेस्ट करूंगा और मजा आएगा देखिए। ओहो, ये गर्मा गर्म आलू का पराठा लखन से लबरेज। ये देखिए ऊपर से दही, टेस्ट करूंगा मैं। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात है। अरे वाह, ये आ गया हमारा आखिरी। ये देखिए, ये हमारे अंकल, ये ओनर है, लेकिन देखिए दिल के बहुत अच्छे हो जाए, दिल से खिलाया जाता खाना। ये देखिए, ये वो इंसान है। कितना साल हो गया बताओ आपने अंकल? ये रेस्टोरेंट को 50 साल हो गया। इससे पहले भी आपने यारी रोड पे खाना? वहाँ अभी भी है, अभी भी है। ओके ओके, क्या नाम बताया था आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा। अरुण शर्मा, देखिए थर्ड जनरेशन। ओहो, क्या बात है। देखिए, एक हमारे जो है हिंदुस्तान के कैप्टन रोहित शर्मा धमाल मचा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ये शर्मा मचा रहे हैं, क्या बात है। ये देखिए आखिरी का जो है ये छाछ। जाते ही एकदम जो है गले से ऐसा लग रहा है कि बर्फ किसी ने डाल दिया हो। वाह, क्या मजा आ रहा है यार। आज के व्लॉग में दोस्तों इतना ही, तो मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ अगले नए डिशेस के साथ में। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच हर्ष भाई और जो है ललित भाई का, जिन्होंने आज का सारा जो खाना स्पॉन्सर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ सजेशन हो खट्टे मिट्टे तो कमेंट कीजिए। हर्ष भाई के तरफ से और ललित भाई के तरफ से आज की जो ट्रिप थी।